उमरिया जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां पर पुलिस कप्तान विकास सहवाल के कुशल निर्देशन, SDOP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी RK धारिया के नेतृत्व में पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में कोरोना के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पुलिस द्वारा शहर में पेट्रोलिंग के साथ चौराहे तिराहे के चेक पोस्ट बनाकर आने जाने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पुलिस जवान व अधिकारियों द्वारा बाइक में 1 व 4 पहिया वाहनों में 2 लोग सवार होकर यात्रा करने के संदेश देकर नियमों का पालन कराने की कवायद की गई है। साथ ही में यात्री वाहनों में भार से अधिक यात्री न बिठाने व यात्रा के दौरान निरंतर मास्क का प्रयोग करने के लिए यात्री वाहनों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा कोरोना कर्फ्यू आगामी 22 अप्रैल तक प्रभावशाली किया गया है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा नियम उल्लंघन कर दुकान संचालित की जा रही थी, जिनके दुकानों को सील किया गया है और दंडित किया गया है। साथ ही सभी आवश्यक दुकान किराना, फल, सब्जी, मेडिकल आदि व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि वह जारी निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें। विदित हो कि बाजार में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद भी लोग भीड़ लगाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। कि बहुत ही आदरणीय रूप से उन्हें देना चाहूँगा, क्योंकि शासन ने कहीं भी किसी प्रकार की कोताही, कोई ढील दे के नहीं रखा है। उनका धन्यवाद ही देना चाहूँगा। बस उन आवाम और उन जनता के लिए मेरा संदेश रहेगा कि उनके द्वारा चलाए गए अभियान में उनका थोड़ा सहयोग करें। शासन हमारी हर जगह मुस्तैदी से काम कर रही है। जैसे कि आज मैंने करीब 1 घंटे पहले देखा, प्रकाश चौक में लगातार बाइकों से 2 से 3 लोग जा रहे थे, जिन्हें प्रशासन ने उन्हें अलग अलग करवाया। ये काफ़ी अच्छा उनका सराहनीय काम था, मगर जैसे ही वहाँ से प्रशासन अपना ध्यान हटाती है तो फिर हमारी जनता उसको गलत रूप लेते हुए फिर वहाँ पर भीड़, जैसे कि सब्जियों के दुकानों में जहाँ 2 लोग होते हैं फिर 2 से 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किराने की दुकान में चले जाइए आप, प्रशासन हटा नहीं कि आम जनता फिर वहाँ पे भीड़ लगाने के लिए करती है। तो मैं ये चाहता हूँ उनके लिए, सिर्फ यही संदेश हमारे पाली नगर की जनता के लिए और सभी पूरे देशवासियों के लिए, कि शासन का सहयोग करें, उनके हाथ में हाथ मिला के अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे सरकार ने हमारे लिए कदम अच्छा उठाया है कि 6 बजे से 2 बजे तक के लिए जो हमें छूट मिली है, जैसे कि काफ़ी जिलों में देखा गया है काफ़ी सख्ती दिखाई गई, फिर भी हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने इसके लिए सहयोग बना के रखा है। तो जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि शासन का सहयोग करें और इस कोरोना वायरस से लड़ने हेतु शासन का पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। जैसा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 22 तारीख तक बढ़ाया गया है। इस बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को हिदायत दी जा रही है। 2 व्हीलर पर 1 व्यक्ति एवं 4 व्हीलर पर 2 व्यक्ति वाहन चालक के साथ में केवल भ्रमण करेंगे। इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति उपस्थित बिना मास्क के अगर पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। एवं किराना एवं दूध फल सब्जी की दुकानों को केवल 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति है। एवं इसके अलावा अन्य जो दुकानें हैं, जैसे कपड़े बर्तन जो जिनकी इमरजेंसी में आवश्यकता नहीं, इन सभी दुकानों को बंद रखा जा रहा है। और यदि कोई इस तरह की दुकानें खोल रहा है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के साथ साथ यात्री वाहन जो बसें हैं इनको भी चेक किया जा रहा है। इनमें देखा जा रहा है कि सभी व्यक्ति मास्क लगा रहे हैं और कैपेसिटी से ज़्यादा व्यक्ति तो नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है, हिदायत दी जा रही है उसकी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।